नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे जीव जन्म कैसे करते हैं। तो हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ेंगे, हम इस सवाल का उत्तर जानेंगे कि क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, और इसी के अंदर विभिन्नता का महत्व भी देखेंगे। हम एकल जीवों में प्रजनन की विधि जैसे विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंध को भी देखेंगे। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? अपने आधारभूत स्तर पर जन्म जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। जन्म की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। जन्म कोशिका में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती। परिणामतः बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी, परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होगी। जन्म में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। विभिन्नता का महत्व। अपनी जन्म क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान निकेत ग्रहण करते हैं। किसी प्रजाति स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जन्म से है। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने के कुछ संभावना है। अतः विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तर जीविता बनाए रखने में उपयोगी है। तो आइए अब हम देखते हैं एकल जीवों में प्रजनन की विधियों के बारे में। विखंडन। एकक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसी जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। कालाजार के रोगाणु लेस्मानिया में कोशिका के एक सिर पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एकक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। अब हम प्रजनन की दूसरी विधि खंडन के बारे में पढ़ेंगे। खंडन। स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जन्म के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन जीवों में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें वृद्धि क्रम प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता होती है। पुनर्जनन। पूर्ण रूपेण विभोधित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। उदाहरणतः हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि
कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। तो आइए हम प्रजनन के दो और विधियों के बारे में पढ़ें। मुकुलन। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। कायिक प्रवर्धन। कई पौधों में उनकी जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। पर्तन, कमल अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है, उदाहरणतः गन्ना, गुलाब और अंगूर। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। इसका यह भी लाभ है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। तो आइए प्रजनन की आखिरी विधि बीजाणु संसंध के बारे में पढ़ें। अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में भी विशिष्ट जन्य संरचनाएं पाई जाती हैं। राइजोपस का कवक जाल जन्य का भाग नहीं होता है, परंतु उद्धरव तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं जन्य में भाग लेती हैं। यह गुच्छ बीजाणुधानी है जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इस सवाल का उत्तर जाना कि क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। हमने विभिन्नता का महत्व सीखा और हमने एकल जीवों में प्रजनन की विधियों जैसे विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंध के बारे में पढ़ा। और इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।